तो आप लोगों का एक और वीडियो में स्वागत है। तो आज मैं बताऊंगा पांच ऐसे रैंडम एनिमे फैक्ट्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो हमारा पहला फैक्ट ये है कि जो पहला एनिमे बनाया गया था एस्ट्रो बॉय, वो ओसामू तेजुका ने बनाया था 1963 में, और उस एनिमे ने एक एनिमे की हिस्ट्री में एक माइलस्टोन क्रिएट कर दिया था, जिससे आगे के एनिमे प्रोडक्शंस को बहुत ही ज्यादा हेल्प मिली थी। तो दूसरा फैक्ट ये है कि ड्रैगन बॉल जी, जो कि अकीरा तोरियामा ने लिखा था, उसने बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करा था एनिमे को वर्ल्ड वाइड पॉपुलर बनाने में और उसे ग्लोबल सेंसेशन बनाने में। उसने बाकी लोगों को भी जापानीज एनिमेशन और जापानीज स्टाइल से फेमिलियर करवाया था, जो कि काफी ज्यादा ऑसम बात है, क्योंकि ड्रैगन बॉल जी को फादर ऑफ एनिमे भी इसीलिए बोला जाता है। तो फैक्ट नंबर 3 ये है कि तो जो एनिमे वर्ल्ड है वो एक इंग्लिश वर्ड से आया है एनिमेशन, और वो स्पेसिफिकली एनिमे इसलिए बोला जाता है कि वो उसमें जापानीज स्टाइल मिक्स रहती है, इसीलिए उसे एनिमे बोला जाता है। तो फैक्ट नंबर 4 ये है कि जो मांगो होती है वो जापानीज कॉमिक्स रहती है, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रहती है एनिमे के लिए, क्योंकि ज्यादातर एनिमे मांगा अडेप्टेशन रहती है, जैसे कि नारुतो, वन पीस और हमारा अटैक ऑन टाइटन। तो जितने भी ज्यादातर फेमस एनिमे हैं वो ज्यादातर मांगा से अडेप्टेड रहते हैं। फैक्ट नंबर 5 ये है कि जो पोकेमोन है वो बस एक सक्सेसफुल एनिमे सीरीज नहीं है, वो महा सक्सेसफुल एनिमे सीरीज है, जिसने अपने खुद की गेम की लाइन लगा दी। कि निंटेंडो से लेके जो वीडियो गेम आते थे पहले, उनपे भी वो चलता था, और अपने ट्रेडिंग कार्ड्स आ गए उसके, और इसका एनिमे भी बन गया, उसकी मूवीज भी आती है, उसकी मर्चेंडाइज भी आती है, और पता नहीं क्या क्या आता है पोकेमोन का। तो मतलब पोकेमोन खुद ही में एक ब्रांड बन चुकी है, जो कि काफी ज्यादा ऑसम बात है कि पोकेमोन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एनिमे ऑफ ऑल टाइम भी बोला जाता है। तो आप लोगों का कौन सा फेवरेट एनिमे है कमेंट्स में जरूर बता के जाइए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।